नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्निहोत्री। आज हम बिग एम मेथड से सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है, मिनिमम जेड इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू, सब्जेक्ट टू में आपको दिया हुआ है टू एक्स वन प्लस एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर, एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेवन, एक्स वन कॉमा एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमम है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे, और मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो जैसे ही आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो मिनिमम है वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो गया, तो मैक्सिमम हो जाएगा आपका माइनस का एक्स वन माइनस एक्स टू। इसके बाद हमारे पास जो इनइक्वलिटीज़ गिवन है इन्हें हम इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल को माइनस करना होगा। तो मैंने कर दिया टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री इज इक्वल्स टू फोर। सेकेंड वाले में हमने किया एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू और माइनस का एक्स फोर इज इक्वल्स टू सेवन। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही इनइक्वलिटीज़ आपकी इक्वेशन में चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन पा रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जीरो एक्स फाइव और यहाँ पर जीरो एक्स सिक्स दो वेरिएबल ऐड कर दिया, सॉरी जीरो नहीं लेंगे, सिर्फ एक्स फाइव और एक्स सिक्स वेरिएबल को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि आपने यहाँ पर जो x3 और x4 वेरिएबल जो सबट्रैक्ट किए थे, ये जो वेरिएबल्स हैं ये कहलाते हैं आपके सरप्लस वेरिएबल्स। इन्हें हम क्या करेंगे, जीरो कॉस्ट के साथ में कहाँ जोड़ देंगे, मैक्सिमम z के अंदर। और हमारे पास जो x5 और x6 है ये कहलाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, एक्स फाइव और एक्सिस हैं ये कहलाएंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल, और इन्हें हम क्या करेंगे, माइनस एम कॉस्ट के साथ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे माइनस एम के साथ में इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर दिया। अब चूंकि हमने यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनकी कॉस्ट माइनस एम ली है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बिग एम मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स में आप देखेंगे टू वन वन सेवन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन या वन ज़ीरो ज़ीरो वन, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक यूनिट मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के अंदर आ रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे सेम क्या करनी है, टेबल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर सी बी, इसके बाद एक्स बी, इसके बाद बी जे सी जे, सॉरी सी जे ऊपर आएगा यहाँ पर, फिर वाई वन y2, y3, y4, y5, y6 और लास्ट में आ जाएगा मिनिमम रेशियो। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस टेबल को ड्रॉ कर दिया हमने, इसमें अब वैल्यूज पुट करेंगे अपन। तो आप देखोगे यहाँ पर इसे अपन कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा टेबल सब में जैसी बनती है इसके अंदर। चलिए ध्यान देते हैं आगे अपन। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो रखेंगे, इसे बीजे, बीजे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोर और सेवन दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर फोर लिख दिया और यहाँ पर सेवन। यहाँ पर जो यूनिट मैट्रिक्स है वो बन रही थी एक्स फाइव और एक्स सिक्स के कारण, तो हमने उसको लिख दिया।
इन दोनों की कॉस्ट हम देखेंगे यहाँ पे कितनी है, माइनस एम है, तो मैंने यहाँ पे दोनों माइनस एम यहाँ पे आएगा और माइनस एम यहाँ आएगा। बाकी जो ऊपर की कॉस्ट आ रही है वो सेम कौन सी रहेगी, जो आपके पास मैक्सिमम जेड की कॉस्ट थी माइनस वन जीरो जीरो, तो यहाँ हम पुट कर देंगे वैल्यू माइनस वन जीरो जीरो। अब इस टेबल के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है ये वाली टू वन वन सेवन माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो जीरो वन, ठीक है। अब निकालेंगे हम जेड जे माइनस सी जे। माइनस एम को हमने क्या किया, यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का थ्री एम हो गया, माइनस का थ्री एम और प्लस वन। सेकंड में माइनस एम माइनस सेवन एम, तो माइनस का एट एम प्लस वन, यहाँ प्लस एम आ गया, प्लस एम आ गया ज़ीरो और ज़ीरो। अब यहाँ मोस्ट नेगेटिव वेक्टर कौन सा आ रहा है आपका, मोस्ट नेगेटिव आ रहा है माइनस थ्री एम प्लस वन, तो ये आपका हो जाएगा मोस्ट नेगेटिव। अब इस मोस्ट नेगेटिव के अंदर आप देख रहे हैं जो y1 है ये एंटर करेगा अब टेबल के अंदर, जब y1 अंदर जाएगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक वेरिएबल बाहर आएगा। आपने क्या किया, इस 2 का डिवाइड 4 में दिया, तो 4 बाई 2 यहाँ दिया अपन ने 7 बाई 1, तो मिनिमम रेशो किस में आ गया 4 बाई 2 में, तो आपका ये 2 हो जाएगा, ये कहलाएगा की एलिमेंट और आउट गोइंग हो जाएगा आपका पास एक्स फाइव। तो यहाँ लिख लेंगे अपन जो इनकमिंग वेक्टर है, यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा मेरे पास y1, और y1 किसके इक्विवेलेंट है x1 के, जो की एलिमेंट है ये बन जाएगा मेरे पास कितना 2, और जो आउटगोइंग वेक्टर है, आउटगोइंग वेक्टर ये बन जाएगा अपने पास x5। आप एक चीज़ ध्यान देनी है हमें, अगर हमारे पास आउटगोइंग वेक्टर कभी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल हो तो नेक्स्ट टेबल में हम उसे लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए हम बनाते हैं इसका नेक्स्ट टेबल। चलिए तो नेक्स्ट टेबल में हमें सबसे पहले टेबल तो उनमें सेम रहेगी, एक तो सी भी आएगा, एक्स भी आएगा, बी जे इसके ऊपर सी जे, वाई वन वाई टू वाई थ्री y4, और आपका जो xy5 था, मतलब जो x5 था वो आउटगोइंग था जो कि आर्टिफिशियल था, इसलिए हम यहाँ पे x5 लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट x6, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया, यहाँ पर इनकी कॉस्ट और यहाँ मिनिमम रेशो, यहाँ मिनिमम रेशो, तो एक बार सारी वैल्यूज के अंदर रखते हैं अपन। तो सी जे में आपका दिया हुआ है माइनस वन जीरो जीरो माइनस एम, ठीक है। बी जे में हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एक्स फाइव बाहर गया था और एक्स फाइव के जगह क्या गया था, एक्स वन अंदर एंटर कर गया था, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स सिक्स। एक्स वन की जो कॉस्ट है वो हमारे रखी है माइनस वन, एक्स सिक्स की कॉस्ट हमारे पास एम। अब जो हमारे पास की एलिमेंट था वो टू आया था, तो टू से हम क्या करेंगे, पूरी टेबल में डिवाइड कर देंगे, तो टू हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ वन वन बाई टू माइनस वन बाई टू जीरो जीरो। अब मुझे क्या करना होता है, इस वन के नीचे जीरो बनाना होता है। अब वन के नीचे जीरो कैसे बनाएंगे, देखो आप सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर सेवन वन सेवन, यहाँ वन आ रहा है, तो अगर हम इस रो में से न्यू रो को हम माइनस कर दें इस वाली रो को, तो हमें यहाँ पर नई रो मिल जाएगी, ठीक है। तो जो ओल्ड रो है वो मेरे पास क्या दी हुई है, सेवन है, वन है, सेवन जीरो माइनस वन और वन, इसमें से मैंने माइनस कर दिया न्यू रो, न्यू रो क्या दी हुई है टू वन वन बाई टू प्लस वन बाई टू और जीरो और साथ में जीरो। वैल्यू कितनी आएगी देखो आप, फाइव जीरो, ये फोर्टीन में से क्या थर्टीन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन वन, ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देंगे,
यहाँ हो जाएगा 5 0 13/2 1/2 -1 और 1, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जेड जे माइनस ये निकालना है, देखो ना, -1 को 1 से इंटू किया, -1 इसको से किया 0 और वापस माइनस का कहेंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 0। यहाँ पे हम लेंगे तो माइनस का 1/2 इसको किया तो ये हो जाएगा माइनस का 13/2, तो ये आ जाएगा वापस माइनस का 13m/2 और प्लस 1 और साथ में जाएगा -1/2, तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू। इसके बाद हम इसको देखेंगे तो प्लस का 1/2 और माइनस का m/2, तो -m/2 और प्लस 1/2, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू प्लस की m आएगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव वो आपको दिया हुआ है -13m/2 प्लस 1 और -1/2। अब इस मोस्ट नेगेटिव का मतलब ये हुआ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका वेक्टर दिया हुआ है y2, तो ये कहलाएगा आपका इनकमिंग वेक्टर। मेरे पास नेक्स्ट में जो इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास y2, जो किसके इक्विवेलेंट है x2 के। अब ये वेक्टर अंदर एंटर करेगा तो एक वेक्टर बाहर भी जाएगा, हमें क्या करना है इसका डिवाइड देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4, 13/2 का डिवाइड देंगे इसमें तो कितना आएगा 13/10/13, तो मिनिमम रेशो कितना आ गया 10/13, तो हमारे पास जो नया की एलिमेंट है वो जाएगा 13/2 और आउटगोइंग हो जाएगा x6, तो क्या लिख लेंगे आउटगोइंग हो जाएगा यहाँ पर, आउटगोइंग वेक्टर बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास x6 और यहाँ पे जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट ये हो जाएगा हमारे पास कितना 13/2, ठीक है। चलिए अब हम लेंगे दोबारा से नेगेटिव बनाते हैं अपन एक, तो अगेन आपने क्या किया सी भी लिखा, एक्स भी लिया, बी जे लिया, y1 y2 y3 y4। अब देखो यहाँ पर आपका जो आउटगोइंग वेक्टर था वो क्या था, x6 था, जो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसलिए नेक्स्ट टेबल में हम इसको एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास मिनिमम रेशो, तो मिनिमम रेशो बनाने के बाद क्या करना है अपने को, इसको इस टेबल को दोबारा करते हैं। देखो अपन बस लास्ट टेबल है, ये तीन टेबल हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर ऊपर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया -1 -1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर एंड आपका x6 बाहर गया था और x6 बाहर की जगह क्या एंटर कर गया था यहाँ पर x2, इसके ऊपर आएगा आपके पास x1, ठीक है। x2 की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है -1, यहाँ दे रखी है -1। जो की एलिमेंट दिया हुआ है इस की एलिमेंट से आपने क्या किया, इस पूरे के अंदर डिवाइड कर दिया, तो जैसे हम पूरे में डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10/13, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 1/13, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 2/13। अब मुझे इस 1 के जस्ट ऊपर यहाँ पर 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ओल्ड रो आ रही है इसको लिख लेंगे, तो मैंने यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, मैं जो हो रहा है 2 1 1/2 माइनस का 1/2 और 0। इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया न्यू रो को, न्यू रो कौन सी, ये वाली 10/13 0 1 1/13 और प्लस का 2/13। अब क्या करेंगे इसको, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से, तो 1/2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी ले लिया, ठीक है। बताओ कितनी वैल्यू आएगी, आपने कट किया कितना आ गया, 5 आ गया, तो 13 + 26 में से 5 गए तो 21/13, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 26 आएगा, तो माइनस का 13 माइनस का 1 तो माइनस का हो जाएगा 14/26 या फिर 7/13,
और यहाँ आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा तो 1/13, इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे तो ये आपको हो जाएगा 21 अपॉन में कितना आएगा 13, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस का 7/13 और लास्ट में आएगा 1/13, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है वापस से जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन है कि लेस देन है। तो देखो आप जेड जे माइनस सी जे अगर देखता हूँ मैं, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आपको माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस वन, इसको से किया जीरो और ऊपर माइनस वन दिया हुआ है, वैल्यू जीरो आएगी, यहाँ भी जीरो आएगी। आपने इसको किया 7/13 में से आपको 1/1 तो 6/13 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ पे हम करेंगे तो माइनस का 1/13, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/13 वैल्यू आएगी आपकी 1/13। तो आप देखोगे यहाँ पर सारी जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स वन की वैल्यू आई वो कितनी आई, एक्स वन आ गया आपके पास 21/13 और एक्स टू कितना आ गया मेरे पास 10/13। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जेड में जो हमारे पास था या मिनिमम जेड जो हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम जेड में रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 21/13 प्लस 10/13, तो आ जाएगा हमारे पास 31/13। तो ये हमारी जाएगी इसकी वैल्यू कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से हम बिग एम मेथड से सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।